हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 19। इफ इन ब्रैकेट ए प्लस आई बी, सेकेंड ब्रैकेट सी प्लस आई डी, थर्ड ब्रैकेट ई प्लस आई एफ एंड द फोर्थ ब्रैकेट इज जी प्लस आई एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, देन शो दैट इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फोर्थ ब्रैकेट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमें प्रूफ करना है, गिवन है और प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन है, ये गिवन है ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैकिंग मोड बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मोड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने मॉड ले लिया, देखो ले लिया, एक यहाँ पे भी मॉड ले लिया। ठीक है, अब ये मॉड में कितने ब्रैकेट है, चार, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट का मॉड अलग, सेकंड ब्रैकेट का मॉड अलग, थर्ड ब्रैकेट का मॉड अलग एंड द फोर्थ ब्रैकेट का मॉड अलग। ठीक है, अब हमारे पास मॉड में अगर एक्स प्लस आई वाई होता है तो हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी। तो यहाँ पे कितने मॉड है, लेफ्ट साइड चार है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ अप्लाई करा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा रियल है ई, ई स्क्वायर इमेजनरी एफ, एफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो प्रूफ करना है इसमें रूट है क्या, नहीं है, तो यहाँ रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों तरफ होल स्क्वायर करा, तो यहाँ पे देखो होल पावर टू और यहाँ पे भी होल पावर कितनी हो जाएगी टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर से ये रूट कैंसल और ये सभी रूट में, तो ये सारे रूट कैंसल हो जाएंगे, सबको एक ही रूट में लिख सकते, मतलब यहाँ पे ऐसा बता सकते अंडर रूट में ए है अंडर रूट में बी, तो इसको ऐसा लिख सकते अंडर रूट ए बी लिख सकते, मतलब अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री, इसको लिख सकते अंडर रूट टू इंटू थ्री या अंडर रूट सिक्स, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक ही रूट में लिख सकते हैं, ऐसे चार रूट है, चारों को अगर एक ही रूट में लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, तो एक रूट से ये पावर टू कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ बचा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ बचा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ।